हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, क्योंकि जो है मौसम अब सही है। पहले आपको बाढ़ की चिंता हो रही थी, आप जो है मौसम में ह्यूमिडिटी है, लेकिन इतना एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ बाढ़ आई है, जहाँ लोग फंसे हुए हैं, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है, वो तो यही कहेंगे गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, बाढ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए, ये बातें तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, गुम है किसी के प्यार की साई को ऑफर मिला था आपके प्यारे छोटी सरदारनी का, ऐसे में क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि आपको ऑप्शन ही नहीं है, यकीन करना होगा, क्योंकि आयशा सिंह ने खुद इस सच्चाई से पर्दा उठाया है। आयशा सिंह ने अपनी सोशल मीडिया के थ्रू बताया है कि पहले उन्होंने छोटी सरदारनी के लिए जो है ऑडिशन दिया था, और फिर उसके बाद उन्हें गुम है किसी के प्यार के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, जहाँ पे मेरी 4-5 क्लिप को उन्होंने जो है रखा था, और जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो लुक हमें चाहिए छोटी सरदारनी में, वो प्रॉपर पंजाबी होना चाहिए, जैसे निमृत का है, प्रॉपर वो पंजाबी लगती है, उसकी लैंग्वेज पंजाबी लगती है, उसका चलना बैठना बिल्कुल पंजाबी जैसा लगता है, और थोड़ा सा कश्मीरी लुक भी दिखना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जो मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया था वो ज़्यादा सही ना रहा, या फिर ऑडिशन जो लिया हुआ है वो आगे चलकर यूज़ हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने मुझे जो है गुम है किसी के प्यार के लिए जो है ऑडिशन लिया था, फिर से मेरी 4-5 क्लिप ली थी, उसके बाद उन्होंने कॉल करके बताया था कि जिस साई के रोल को हम ढूंढ रहे हैं जो है वो आप में नज़र आ रहा है, तो ऐसे में उन्हें गुम है किसी के प्यार का ऑफ़र मिल गया था। उन दिनों आयशा सिंह के पास कोई प्रोजेक्ट भी नहीं था, जहाँ पे वो मुंबई छोड़कर भी चली गई थी। फिर वहाँ जब उनके पास कॉल आया तो वो वहाँ से वापस आई, और उन्होंने गुम है किसी के प्यार के शो को जो है ज्वाइन किया। ऐसे में उन्होंने बहुत अच्छी टीआरपी निकाल कर दी, ना जाने कितने फैंस के दिलों में उन्होंने जगह बना ली। अगर वही जो उनकी क्लिप ली भी है, जहाँ पे वो उनका पंजाबी लुक देखना चाहते थे या जो है, तो क्या छोटी सरदारनी में उसी प्रोडक्शन के साथ आयशा सिंह जुड़ेंगी? क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज़ पे खुलासा किया है कि मेरे से छोटी सरदारनी का ऑडिशन लिया गया था। उन्होंने बताया था कि ऐसा लुक चाहिए जैसे कि हम निमृत कौर आहुलिया को देखते हैं, तो ऐसे में मैंने पूरी कोशिश करी थी कि अपना लुक वैसा ही बनाऊं, या वैसे ही स्टाइल में बोलूं, या वैसे। लेकिन अब जो है न्यूज़ आ रही है छोटी सरदारनी का नया सीज़न जल्दी आ सकता है, या फिर जो है कोकरी हुई प्रोडक्शन का झल्ली शो कलर पर दस्तक देगा, तो क्या आपकी कोकरियो प्रोडक्शन के साथ फिर से जुड़ेंगी आपकी प्यारी आयशा सिंह उफ साई? भाई उम्मीद पूरी है, क्योंकि जब उन्होंने पुरानी बात का खुलासा किया है तो ये नई बात की तरफ इशारा करता है। ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।